स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से वीएन इंस्टीट्यूट चैनल में। आज मैं आपको मशीन एंड मैकेनिज्म में डिफरेंस पढ़ाऊंगा, क्या होता है डिफरेंस दोनों के बीच में। ऐसे टेबल बना देंगे, एक तरफ मैकेनिज्म एंड दूसरी तरफ मशीन। पहला डिफरेंस क्या है, यह कई लिंक के कनेक्शन से बनता है जिसमें एक लिंक की गति ही दूसरे लिंक को चलाती है। मैकेनिज्म कई लिंक के कनेक्शन से बनता है जिसमें एक लिंक की गति ही दूसरी लिंक्स को चलाती है। जैसे अगर मैकेनिज्म की हम बात करें तो मैकेनिज्म वास्तव में कई लिंक से मिलकर बना होता है, जिसमें एक लिंक क्या होता है, फिक्स होना जरूरी होता है। अगर इस लिंक को फिक्स कर दें और चार लिंक वाला एक मैकेनिज्म बनाए इस तरह से ए बी सी डी, अगर ए बी को हम चलाएं तो बाकी लिंक्स में भी मोशन होने लगेगा, बाकी ए डी भी चलेगा और सी डी भी चलेगा। पहला मशीन में क्या है, कोई मशीन कई लिंक्स के कनेक्शन से बनता है जिसमें परस्पर रिलेटिव मोशन होता है, मतलब सापेक्ष गति होता है। मशीन में अवेलेबल एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करने की क्षमता होती है। मशीन मीन्स लेथ मशीन जैसे होगा, लेथ मशीन में क्या होता है कि इनपुट एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रिसिटी हम देते हैं और आउटपुट एनर्जी के रूप में मैकेनिकल वर्क करता है, लाइक खरादने का काम करता है, ड्रिलिंग, बोरिंग, नर्लिंग, ये सब किया जाता है लेथ मशीन से। तो यहाँ पे अवेलेबल एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करने की मशीन में क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। दूसरा अंतर मैकेनिज्म में, कोई मैकेनिज्म किसी मशीन का क्रियाशील नमूना होता है, कोई मैकेनिज्म किसी मशीन का क्रियाशील नमूना होता है। मैकेनिज्म को ही सुधार करने पे मशीन मिलता है। तो मशीन में दूसरा देखते हैं, किसी मैकेनिज्म को प्रायोगिक दृष्टि से सुधारने पर मशीन बनती है। वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तीसरा है, मैकेनिज्म का मशीन होना जरूरी नहीं है। ये कतई जरूरी नहीं है कि कोई मैकेनिज्म मशीन हो। इसका कार्य केवल अपनी लिंक्स में मोशन ट्रांसमिट करना होता है। मैकेनिज्म का मशीन होना जरूरी नहीं है। ये हो भी सकता है जब प्रैक्टिकली रूप से इसमें थोड़ा सा सुधार करते हैं तो वो मशीन बन सकता है, लेकिन मैकेनिज्म का कार्य अवेलेबल एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करना नहीं होता है, बल्कि अपने ही मैकेनिज्म में एक लिंक से दूसरे लिंक में गति पारेषित करना होता है, गति ट्रांसमिट करना होता है। जैसे बोर्डन प्रेशर गेज, डबल क्रैंक मैकेनिज्म हो गया, या कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म हो गया, ये सारे मैकेनिज्म होते हैं। अब तीसरा है मशीन में, मशीन एक या ज्यादा मैकेनिज्म से बनती है, मशीन एक या ज्यादा मैकेनिज्म से मिलकर बनती है। मीन्स मशीन कई सारे मैकेनिज्म से मिलके बन सकती है, जिसका उपयोग लाभदायक कार्य के लिए एनर्जी ट्रांसमिट करना होता है। मशीन का काम क्या होता है, काम ये होता है कि कोई अवेलेबल एनर्जी है या उसका उपयोग करके लाभदायक कार्य या जो डिजायर्ड वर्क है उसको करना होता है। जैसे इंजन हो गया, टर्बाइन्स हो गए, लेथ मशीन हो गया, या जो भी मशीन आप सोच सकते हैं कि जो अवेलेबल एनर्जी का यूज करके डिजायर्ड वर्क करे वो मशीन है। ये तीन इम्पॉर्टेंट और बेसिक डिफरेंस है मैकेनिज्म और मशीन में। ये आप वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। और हम समराइज कर दे रहे हैं, मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म कई कड़ियों से मिलकर बना होता है जिसमें एक लिंक फिक्स होता है। एक लिंक की गति ही की मोशन ही बाकी लिंक्स में गति उत्पन्न करती है। और मशीन क्या होता है, मशीन कई मैकेनिज्म से मिलके बना होता है, जिसका काम ये होता है अवेलेबल एनर्जी का यूज करके कोई डिजायर्ड वर्क करता है। ठीक, एग्जांपल है मैकेनिज्म का, बोर्डन प्रेशर गेज हो गया, या कैम फॉलोअर हो गया, या डबल क्रैंक मैकेनिज्म हो गया, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म हो गया। आपका मशीन में क्या है, लेथ मशीन हो सकता है, वो टर्बाइन हो सकता है, वो कोई साइकिल हो सकता है, कोई क्रेन हो सकता है। अगर आपको कोई डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही अन्य वीडियो आपको मिल सकें। अपने मित्रों में भी जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।